हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक विद प्रियंका। और आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है एंड बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसको बड़े बूढ़े भी बहुत मन से खाते हैं और आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल इडली। हम रवे से इडली बनाएंगे सूजी से, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी और बिल्कुल चावल वाली इडली की तरह हमको भिगोना नहीं है और अगले दिन पीस के फॉर्मेंट नहीं करना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 2 कप रवा लिया है, ये थोड़ा मोटा वाला रवा है। अगर आपको मोटा वाला रवा नहीं मिलता है और फाइन रवा मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 1.5 कप दही लिया है मैंने, 1/2 कप के करीब शिमला मिर्च ली है मैंने। एक्चुअली आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जियाँ ली हैं सब 1/2 कप हैं। 1/2 कप मैंने बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 हरी मिर्च है उसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है, हरा धनिया लिया है, नमक लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं अपनी डाल दूँगी सूजी। सूजी में ऐड कर देंगे नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ सारी सब्जियाँ। तो ये गई गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया। आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अपना दही और एक बार फिर से चला दूंगी और मिक्स कर दूंगी सब कुछ। अब ये कर दिया है मैंने मिक्स। इसमें मैं ऐड करूँगी पानी थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए, बट ये ध्यान रहे कि हमको ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो ये करीब मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसे एक बार मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं 1/4 कप के करीब पानी और डालूँगी और मिक्स करूँगी। तो मैंने ये मिक्स कर दिया और जैसा कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूँगी और उसके बाद इसमें और पानी ऐड करूँगी। इन द मीन टाइम सब्जियाँ भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगी और साथ में सूजी भी पानी एब्जॉर्ब करेगी। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। करीब 20 से 25 मिनट के लिए मैं रखूँगी ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक मैं अपने इडली मोल्ड्स को ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल हाथ से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं, नहीं तो एक टिश्यू पेपर की हेल्प से भी आप इन सबको ग्रीस कर सकते हैं। तो 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा रवा फूल के रेडी है। मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें मैं 1/4 कप पानी और ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए। बिकॉज़ ये सब डिपेंड करता है आपने कौन सी क्वालिटी का रवा लिया है, आपने किस कंसिस्टेंसी का दही लिया है। अगर आपका दही बहुत पतला है तो पानी हमारा कम लगेगा, अगर आपका दही थिक है तो हमारा पानी ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि थक्का बन के गिरे, इसी से हमारी इडलियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो हमारा पानी ऑलरेडी स्टीम हो रहा है और हमारा बैटर भी रेडी है, हमारे मोल्ड्स भी ग्रीस्ड हैं। इस पॉइंट पे आके मैं डालूँगी अपना इनो और थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 चम्मच के करीब मैं डाल दूँगी पानी इनो के ऊपर ही, ताकि इनो अच्छे से फिज हो जाए और मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स हमको एक ही डायरेक्शन में करना है और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है, हमको उतना ही मिक्स करना है कि हमारा इनो मिक्स हो जाए रवे में, उतना ही बस चलाना है हमको। अब मैं बैटर इडली मोल्ड्स में डाल दूँगी। अब इसको एक बार मैं टैप कर लूँगी
और पानी हमारा ऑलरेडी बॉईल हो रहा है स्टीमर में। ये रखी मैंने अपना इडली मोल्ड, पहला वाला, फिर दूसरा और ये तीसरा। और अब मैं कवर करके इसको 12 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे होने दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए हम अपनी इडली चेक कर लेते हैं। तो इडली एकदम बनके रेडी है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इडली के सांचे मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे और इनको 5 से 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम भी दे दिया था। अब मैं एक नाइफ की मदद से इनको इडली निकाल लूंगी सारी। तो कुछ करना नहीं होता है, बस आप नाइफ है उसको इडली के नीचे रन कीजिए और हल्का सा जो स्टैंड है, सांचा है इडली का, उसको मूव करिएगा, घुमाइएगा, तो ऐसे इडली निकल आती है और बहुत ही आसानी से निकल आती है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा ग्रीसिंग किया था मोल्ड्स का। तो हमारी इडलियाँ बिल्कुल रेडी हैं और 2 कप रवे में अराउंड 20 इडलीज बनी हैं। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है, इनको मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। सारी सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार इडली बनती है ये। तो आई होप आपको ये वेजिटेबल इडली अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में ही एक बेल आइकन है जिसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।